वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आइए शुरू करते हैं हम, जहाँ पे हम लोगों ने त्रिकोणमिति को छोड़ा था वहीं से आगे, जो कल या पहले वाले पार्ट में जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पे आपको 8.1 चैप्टर है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो इसके नेक्स्ट थ्योरी होगा उसको देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड चैप्टर को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी कोई किताब लेकर तैयार थी, कॉपी और पेन नहीं, केवल क्या बोले हैं किताब, बस देखना है, ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद आप कॉपी पेन से नोट करते रहिए। ये वीडियो से नोट नहीं करना है, समझने के बाद खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, किताब आपके सामने है, उम्मीद करते हैं। तो पहला चैप्टर है 8.1 त्रिकोणमिति, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका किसका ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो चलिए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए बी सी जिसमें बी पर समकोण है और ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, ठीक है। तो आइए ये पहला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचे, ठीक है, जिसमें एबी बराबर 24 और बीसी बराबर 7, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या है जी 7 सेंटीमीटर है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज को खींचते हैं, इसमें दिया है कोण बी पे क्या है समकोण है, तो ये 90 डिग्री क्या है बी पे है, तो ये हो गया ए बी सी, जिसमें आपको ए बी, देखिए ए बी ये वाला हिस्सा है, कोण कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है जी 24 सेंटीमीटर, और बीसी, बीसी नीचे है कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 24 और 7 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको इसका लंबाई नहीं मालूम है, ये लंबाई क्या होता है हाइपोटेनस कर्ण, तो आपको बताए थे कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता है एक प्रमेय है जिसको किस नाम से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्पीड कम कर दीजिएगा, अगर ज्यादा कम लग रहा हो तो आप तेज कर सकते हैं, ठीक है, समय कम है, कम समय में बहुत सारी बातों को बताना है इसलिए थोड़ा तेज ही चलेंगे हम, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा जी कि एसी का स्क्वायर, किसका एसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या है 24 और ये क्या है जी 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 एक 17, 2 दुनी 4, 4 एक 5, 576, 7 का कितना होता है 49, जोड़िए 9 6 15, 4 7 11, 1 12, 5 1 6, 625, ठीक है। ये क्या गया जी आपको एसी का स्क्वायर, इधर क्या रह गया या का साइन, इसको नहीं भूलिएगा, या एसी बराबर ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा 625, तो क्या निकल के आएगा 25, 625 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है 25, यानी अब हमने एसी प्राप्त कर लिया है जो कितना निकल के आया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है साइन ए, ऑप्शन ए में क्या पूछा है साइन ए और कॉस ए, तो अतः साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है जी पी बाई एच, हमने पढ़ा है ना साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, देखिए ए ये वाला एंगल हुआ, इस वाले एंगल के लिए पी क्या होगा, आपको भली भांति बताया जा चुका है कि किसी भी एंगल के लिए पी उसके सामने वाली भुजा होती है, तो सामने वाली भुजा कौन सी है ये, यानी कहने का मतलब बी सी और एच तो कांस्टेंट रहेगा, एच क्या होगा ए सी, ए सी बी सी कितना है 7, ए सी कितना है 25, सॉल्व हो गया। चलिए इसमें दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपको कॉस ए,
ठीक है, कॉस ए को आप सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। आइए दूसरे पे चलते हैं, साइन सी, बस कॉस ए बी बाई एच हो जाएगा 24/25। साइन सी देखिए, सी आ गया, सी कौन सा एंगल है, सी ये वाला एंगल है। आपको सॉल्व करना है घर पे कॉस ए, हमने ये बता दिया, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइए साइन सी, साइन सी को सॉल्व करते हैं, तो अब एंगल बदल गया है सी, तो इसके लिए लंब और आधार भी बदल जाएगा। हमने पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके इसका पार्ट वन देखिए। तो इसके लिए आपको ये, अब ये एंगल लगा है तो इसके लिए लंब बदलेगा, लंब कौन सा जगह, इस एंगल के सामने वाली भुजा, तो अब लंब हो जाएगी पी, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और एच तो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो साइन सी के लिए क्या होगा, आपको इसको साइन नहीं कॉस ले लेते हैं, क्योंकि साइन वाला तो बता चुके हैं कॉस ए, तो कॉस ए बस वही रहेगा, एंगल के लिए बदलता है ये कुछ भी हो, साइन कॉस कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, ये एंगल के लिए बदलता है। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, बी क्या हो जाएगा इसका बी सी, और एच क्या हो जाएगा ए सी। इसका भी आंसर क्या होगा 7/25, ठीक है। इसमें एक और बच रहा है कॉस सी, जो बच गया आपको क्या निकालना है, कॉस ए का निकालना है और साइन सी का वैल्यू निकालना, और निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए ये पहला समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं, खुद से बनाने का जरूरत है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तब तक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको, पढ़ते हैं आपको कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें पहले ही आकृति दे दिया, तो हमको आकृति खींचने का जरूरत नहीं है, आकृति आपको यहाँ पे ऐसे दे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे ही आप बढ़ते जाइए, आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। ये आपको आकृति दे चुका है जिसमें आपको पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए आइए त्रिभुज QQR, त्रिभुज PQR, PQR से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है, प्राप्त ये होता है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, यही प्राप्त हुआ है जी, ठीक है। बच गया ये वाला हिस्सा, तो आपको भली भांति मालूम है कि यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस पर मिलाएंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आंसर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पीआर का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर, क्यूआर निकालना है तो ये वाला इधर आ जाएगा, पीआर का स्क्वायर माइनस पीक्यू का स्क्वायर बराबर क्यूआर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूआर कहां चलाएगा जी, ये स्क्वायर रूट अंदर चलाएगा। सबसे पहले ये देखिए, यहां पे देखिए ये दिया हुआ है पीआर का स्क्वायर माइनस क्यूआर का, तो समझिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हमने इसलिए बताया कि इसका आगे जरूरत पड़ेगा, तो अभी से समझते चलिए। ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, पी आर बराबर कितना है, पी आर 13 12 13 12 क्यू आर का स्क्वायर, 13 में से 12 गया एक, 13 12 25, ठीक है, बराबर क्यू आर स्क्वायर, गुणा कीजिएगा 25 क्यू आर का, इधर लाइए इधर स्क्वायर रूट ले जाइए, 25 निकल के क्या जाएगा आपको 5, ठीक है। यानी क्यू आर बराबर क्या निकल के आ गया मेरे को, 5 निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि tan p माइनस cot p, tan p माइनस cot p, तो देखिए अतः tan p बराबर
टैन पी बराबर पी ये है तो इसके लंब कौन सा हो जाएगा, ये लंब होगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये टैन पी बराबर तय पी बाई बी, जो पी बाई बी क्या है क्यू आर बटा पी क्यू, क्या जी क्यू आर बटा पी क्यू, और क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है पांच, और ये पी क्यू क्या है बटा बारह। ठीक है आइए, और कॉट पी, पी यही है तो सेम लंब लंब यही रहेगा, बेस यही रहेगा, उस पर हाइपोटेनस तो निश्चित है, तो कॉट बी बराबर, कॉट बराबर क्या होता है बी बाई पी, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा बारह, यानी पी क्यू और क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है पी क्यू बटा क्यू आर, क्योंकि बी बाई पी यानी बारह बटा पाँच, क्या आ गया बारह बटा पाँच। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि क्या निकालना जी, टेन पी, टेन पी माइनस कॉट पी, तो टेन पी बराबर क्या निकल गया पाँच बटा बारह, कॉट पी बराबर क्या निकल गया बारह बटा पाँच, दोनों कैल्शियम लीजिए साठ, तो बारह पचास साठ पच्चीस, और सही निकाला ना जी हमने टेन पी, टेन पी तो पाँच बटा बारह। ठीक है उसके बाद कॉट पी, कॉट पी का क्या हो जाएगा कॉट पी बारह बटा पाँच। ठीक है बारह बटा पाँच टेन पी, पाँच बटा बारह माइनस बारह बटा पाँच, एलसीएम साठ, तो बारह पचास साठ, बारह पच्चीस पच्चीस, पाँच बटा साठ एक सौ चवालीस। चलिए ठीक है देखिए इसमें से घटा लीजिए आप, एक सौ उन्नीस बटा साठ, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा एक सौ उन्नीस माइनस एक सौ उन्नीस बटा साठ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है आंसर मिला लीजिएगा, हमने आंसर नहीं देखा, अगर आंसर गलत होगा तो बोलिएगा। टेन पी पाँच बटा बारह, ठीक है कॉट पी, कॉट पी यही है यानी बारह बटा पाँच। ठीक है बी बाई पी हो गया आपको, चार में से पाँच का नौ, दो में से चार गया, चौदह में से पाँच का नौ, तीन में से दो गया एक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप, कि साइन ए बराबर तीन बटा चार। ठीक है तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकट कीजिए, कॉस ए और टेन ए का दिया है आपको साइन ए बराबर तीन बटा चार। ठीक है चलिए तो तीन नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर क्या है तीन बटा चार। ठीक है तो साइन ए बराबर क्या होता है जी पी बटा बी, क्या होता है पी बटा सॉरी पी बटा एच, तो P क्या हो गया आपको ये है तीन बटा चार, अर्थात P बराबर निकल गया तीन और H बराबर निकल गया चार। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो P है ये जो होता है ना ये अनुपातिक राशि होता है, ये क्या है अनुपातिक राशि, अगर कहने का मतलब हम इसको लिख दें आप क्या लिख दीजिए नौ बटा बारह। देखिए ये भी क्या गया तीन तिरका नौ तीन चौका बारह, तीन बटा चार आया, तो ये जरूरी नहीं कि ये तीन बटा चार ही हो, ये नौ बटा बारह भी हो सकता है, कट छट कर इतना आया है, तो ये अनुपातिक राशि है, तो भुजा का लंबाई ये जरूरी नहीं कि तीन और चार हो, तो इसके लिए क्या करते हैं हम मानते हैं कि एक कॉन्स्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने नौ बटा चार नौ बटा बारह लिखा था, ये तीन तिरका नौ तीन चौका बारह किससे कटा है तीन से कटा है, यहाँ पे अगर के लिखते रहे इन कॉन्स्टेंट टर्म क्या है तीन जो इसको काट रहा है, यानी गुना तीन गुना तीन, देखिए तो यहाँ पे नौ और बारह मिल गया, बारह मिल गया, तो यही कॉन्स्टेंट टर्म से जुड़ा था, तो माना कि P बराबर थ्री के और H बराबर फोर के। ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि ये अनुपात है और हमें भुजा देख रहे हैं कि भुजा का लंबाई क्या है, तो भुजा का लंबाई अगर भुजा का लंबाई तीन होगा ये अनुपातिक ये बड़ा नहीं होगा तो K का मान एक होगा तो तीन का तीन हो जाएगा। ठीक है इसीलिए तो अब क्या करेंगे, अब फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है एच का स्क्वायर आपको दिया हुआ है माइनस ये बी का क्या दिया पी दिया है, तो माइनस पी का स्क्वायर कीजिए और इधर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर बच जाएगा। एच बराबर क्या दिया हुआ है जी आपको, एच बराबर दिया है फोर के स्क्वायर
माइनस पी बराबर क्या है, थ्री के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये या चलते जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है वहाँ से नहीं लाते हैं, या ये 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, चलिए ठीक है देखिए, ये सॉरी इधर तो चला आया, बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर, अर्थात बी बराबर आपको निकल के चला आया, के स्क्वायर एक निकल के चला आएगा रूट सेवन, क्या आ गया रूट सेवन, बी बराबर के रूट सेवन, ठीक है क्योंकि के दो दो बार है स्क्वायर है तो इसका एक निकल जाएगा, सात नहीं टूटेगा, तो बी बराबर क्या निकल के आ गया आपको के रूट सेवन, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि cos a और tan a का मान प्रकट करें, किसका cos a और tan a का मान निकालना है, तो cos a एंगल सेम है, जो a के लिए p होगा, जो a के लिए p होगा b होगा वह हर हाल में वही होगा, आप भले साइन लाइए कोसाइन लाइए टैन लाइए कोट लाइए ये तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एंगल बदलेगा तो ही पी और बी बदलेगा, पी और बी किस पे निर्भर होता है एंगल पे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आपको कि बी बाई एच, ठीक है बी आपको निकल के कितना आया के रूट सेवन, एच आपको क्या था जी फोर के, ये के से के कट गया यानी आंसर आपका क्या आ गया रूट सेवन बाई फोर। अब उसी तरह निकालते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, ये नहीं लिखना है ये तो पहले ही लिखा जा चुका है, इसको मिटा ही देते हैं, अतः tan a बराबर क्या होगा p by b, p क्या है 3 के और b क्या निकल के आया रूट सेवन के कट गया, क्या हो गया जी इसका 3 by रूट सेवन। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है, आप बनाइएगा घर पे और क्या कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए बनाने के लिए सारे क्वेश्चन को बना दिया जाएगा, जब एक बना रहे हैं तो 2-3 बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे वो आपके लिए, और क्यों, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आप ही को बैठना है, मेरे को नहीं बैठना है कि सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बातें आपको समझ में आने के साथ साथ याद हो जाएंगी, तो एग्जाम में इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर फिर भी आपसे नहीं बनता तो आप कॉमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या रखिए, उसका समाधान दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक दो पिक लगाएंगे, वह कैसा पिक है कि एक बच्चे ने जो आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का था उसमें हमने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन उसको फ्रेश नहीं दिखा तो उसने व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन मांगा कि भैया क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन मांगने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर व्हाट्सएप पे फोटो भेजा कि भैया चेक कीजिए कहाँ गलती है, प्रोसेस सही है कि नहीं है, जब ये देखे तो अच्छा लगता है, और हमने भी रिस्पॉन्स दिया, हमने भी क्या किया आपको उसको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर मिला था, आंसर को ये किया, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बैठे, हम लोग का खुद अपना पढ़ाई है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है जो मेहनत करता है तो लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो आदमी और बढ़ चढ़ कर आगे आता है, तो आप उसको बनाइएगा और याद से आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर नहीं बनता है तो भी डालिएगा, अगर कोई विशेष दिक्कत हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है और सबका आंसर डालना है नंबर के साथ, सबको रिप्लाई मिलेगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, देख लेते हैं, ये भी उसी पर आई था, देख लेते हैं क्या है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करें, अन्य सभी कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉ, ठीक है एक दे दिया आपको और सारा निकालना है, तो देखिए क्या दिया है कि सेक थीटा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 यदि सेक थीटा क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 ठीक है, चूंकि
सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको, किसका अपोजिट है, सेक कॉस का अपोजिट है, कॉस क्या होता है, बी बी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब आपको क्या निकल गया, एच बराबर यहाँ पर 13 निकल रहा है और बी बराबर क्या निकल रहा है, 12। तो अभी जस्ट पहले बताएं कि ये अनुपातिक राशि है तो इनमें कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ना होगा, तो क्या लिखेंगे, माना कि एच बराबर 13 के और बी बराबर 12 के, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस भैया जी का प्रमेय लगाएंगे, किसका प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस भैया जी का। और पाइथागोरस भैया जी का प्रमेय क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें एच और बी है, पी निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस आपको क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, बी निकालना, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे बी दिया है, बी स्क्वायर क्या निकालना है, पी निकालना है। तो देखिए ये एच कितना है जी, 13 के का स्क्वायर, बी कितना है, 12 के का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। फिर फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगाइए तो क्या होगा, देखिए ऐसे चीजें आसान हो जाते हैं, ये 13 के माइनस 12 के, 13 के प्लस 12 के, ये पी स्क्वायर क्या हो गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा आपको क्या निकल के आएगा, केवल के निकल के आएगा, 13 के में से 12 के घटेगा के, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 के हो जाएगा, 13, 12, 25 के गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, इसको जब रूट में लाइएगा इधर तो ये रूट हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर पी, तो क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा पी बराबर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, और के का स्क्वायर रूट क्या होगा, के, यानी पी बराबर आपको निकल के आ गया 5 के। अगर आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग चैप्टर बना देंगे। वैसे ये जो वर्गमूल निकालने का है ये 7th या 8th में होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि वर्गमूल निकालना सिखा दीजिए, तो उसको भी सिखा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे निकल गया 5 के। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, अतः sec थीटा हो गया, तो sec थीटा का सबसे पहले अपोजिट निकाल लेते हैं, cos थीटा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो sec थीटा बराबर क्या था, ये h बाई पी, इसका h बाई बी, तो इसका क्या होगा, b बाई एच, और आपको b निकल गया है, b कितना है, 12 के, और h क्या है जी, 13 के, कट गया, यानी क्या हो जाएगा, 12 बाई 13। अब चलिए ये हो गया, अब इसी तरह यहां से निकाल लेते हैं sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, p बाई एच, p क्या है, p अभी निकल गया 5 के, और h क्या है जी आपको, 13 के, कट गया, यानी क्या हो गया, 5/13। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब यहीं से क्या निकालते हैं, टैन निकालते हैं, तो टैन बराबर क्या होगा जी, टैन थीटा बराबर p बाई बी। आप बोल रहे होंगे कि ये हर दम एक ही बार p, अगर p 5 आ गया तो हर बार p 5 ही ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ना कि आप देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और पी और बी का रिलेशन केवल थीटा से, या अर्थात कहने मतलब एंगल से होता है, उसी पे डिपेंड करता है, हाई सब ससुरा है, उससे क्या मतलब, हमको थीटा जब बदलेगा तभी ना बदलेंगे। तो चलिए पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या है, पी आपको आया है 5 के, बी क्या है, 12 के, कट गया, यानी क्या हो गया, 5/12। फिर आते हैं आपको साइन कॉस टैन हो गया, सेक हो गया, कॉस सेक आते हैं, कॉसेक किसका अपोजिट होता है जी, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन क्या होता है, पी बाई एच, सही क्या होगा, एच बाई पी, एच क्या है, 13 के, पी क्या है, 5 के, कट गया, क्या गया, 13/5। अब एक लास्ट बच गया टैन, टैन क्या होता है, टैन कॉट भी तो है जी, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा हमने निकाल दिया, कॉट बचा है, कॉट थीटा क्या होगा जी, बी बाई पी, बी कितना है, 12 के, और पी कितना है, 5 के, कट गया, क्या हो गया, 12/5। तो जब आपको एक दिया रहेगा, कहेगा कि उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो ऐसे ही क्या किया जाएगा, उसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाएगा। देखिए 6 कैसे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं,
तीन ऊपर तीन नीचे बताए थे। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की, दो न्यून कोण हैं जिसमें दोनों का एंगल साइन के साथ बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या वे दोनों एंगल समान है या नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसलिए है थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग को भी एक्सपेंड करना है, आप भी सोचे बड़ा, क्योंकि बार बार बोलने के अल्टीमेटली एग्जाम आप ही को देना है, तो फिर ये टफ है तो आपको दिया क्या जा रहा है, क्योंकि सेम इस रिलेटेड क्वेश्चन इसी में जस्ट दो पेज पीछे जाएगा, तो उदाहरण नंबर दो के, हाँ उदाहरण नंबर दो के नाम से आपको इसमें दिया गया है, उसको देखिए, उसको बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तब इसको आकर बनाइए। अगर फिर भी नहीं बन पाता है तो आपको कहाँ जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है, और वादा है कि आपको अगले जो भी अगला वीडियो होगा जैसे ही हमको मिलेगा उस वीडियो में आपको उसको समझा दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता तो स्पेशली वीडियो बनाकर उसको समझा दिया जाएगा, 5 या 10 मिनट का क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर भी क्वेश्चन आपको बनाना है। ये तो आप सीख ही लिए हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं आपको, cot थीटा बराबर 7/8, यदि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिएगा cot थीटा बराबर क्या दिया, 7/8 दिया, तो आपको कह रहा है कि आप निकालिए 1 sin θ (1 - sin θ)/1 cos θ (1 - cos θ। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि क्या कैसे होता है, तो देखिए cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, तो cot, चूंकि cot थीटा बराबर होता है, cot है तो क्या होगा b/p, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या कि 7/8, बी 7 और p क्या हो गया, 8 हो गया। तो फिर मानेंगे, माना कि क्या b बराबर 7 के और p बराबर 8 के, क्योंकि वह अनुपातिक राशि है। अब क्या करेंगे, आप भी इस चीज से इतना बार परिचित हो गया कि अब ये आपको बिना याद किए आपके जेहन में बैठ जाएगा और फिर दिक्कत नहीं होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, 7k 49k स्क्वायर, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच को स्क्वायर उधर ले जाइए, ये या का साइन देना कभी नहीं भूलिएगा, ये इधर चला जाएगा वरना नंबर कट जाएगा, 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, 9 4 13 6 4 10 1 11 k स्क्वायर, ठीक है, 9 4 13 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11। अब देखिए 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, इसका भी 113 का भी आपको स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है ना जी, 7/8 है cot b/p, तो 7 7 49 8 8 64 9 4 13 6 4 10 1 11, ठीक है। तो आइए एच बराबर आपको क्या निकल गया, के रूट अंडर 113, ठीक है, क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, जिसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। cot ही ना दिया था भैया, हाँ cot दिया था, 7/8 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन क्या है, अतः क्वेश्चन क्या है आपको कि 1 + sin θ (1 + sin θ) into 1 - cos θ (1 - cos θ) बटा 1 + cos θ into 1 - cos θ, cos थीटा ना, हाँ ठीक है, 1 - cos θ, ऊपर sin थीटा है, ऊपर माइनस sin थीटा। देखिए इसको बनाने के लिए आप कई तरीके से बना सकते हैं, आप इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए या जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरा तरीका से बना सकते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपने सही बनाया 14/74/67, ये आपका गलत है। हम यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले, देखिए कैसे आसान तरीके से समझाने वाले, आपको बोल रहा था ना कि इसका यूज आएगा, देखिए 1a + b (a - b), कुछ देर के लिए एक को ए एज्यूम कीजिए, इसको ए एज्यूम कीजिए, इसको बी एज्यूम कीजिए, इसको ए और इसको बी, इसको P, इसको Q, इसको P, इसको Q। देखिए A प्लस बी
ए माइनस बी, तो क्या होगा? यही ना होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सहमत है? ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो ये भी क्या होगा? पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है? तो इसी को हम लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा हम स्क्वायर इसलिए किया कि जो ये रूट में आया है इसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है? अब देखिए, एक का स्क्वायर एक, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा निकालना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिख लेता मान पी बाई एच का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए एक, ये बराबर इस बटा के सामने रहता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? सारे चीजों को समझ कर चलना है, एक कोई भी बारीकी कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा जी, बी वाई एच का स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए वन माइनस पी बराबर क्या है जी, पी बराबर आपके सामने निकला है एट के, एट के एच बराबर क्या निकला है के, यानी रूट अंडर इसको ऐसे लिख लीजिए 113 के, रूट अंडर 113 के, ठीक है? बटा वन। बी बराबर क्या है, सेवन है, बी बराबर क्या है, सेवन के, ये स्क्वायर छूटा हुआ है स्क्वायर चला दीजिए सेवन के। फिर एच क्या होगा आपको, रूट अंडर 113 के स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए यहाँ के है, यहाँ के है कट गया, यहाँ के है, यहाँ के है कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ऊपर ले जा रहे, कहीं नीचे नहीं दिख रहा हो, ऊपर आइए, ऊपर देखिए वन, एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से रूट कट जाएगा और 113 बच जाएगा, ठीक है? 113। फिर इधर आइए, एक माइनस क्या हो जाएगा, सात बटा 113, सात का स्क्वायर 49 बटा 113, ठीक है? इसको जब स्क्वायर किया था, सात का स्क्वायर 49 और रूट तीन, देखिए ये लिख सीख ही लीजिए 113 गुना 113, तो जब दो बार गुना किया जाएगा तो दोनों बार के बदले एक बार लिख दिया जाएगा और ये हट जाता है, यही ना सीखे हैं जी? या इसको गुना करके आप इस तरह लिख दीजिएगा 113 गुना 113, तो इन दोनों के बदले 113 स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है? अब आइए देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं थे, एक एलसीएम इसका 113, तो ये एक से 113 माइनस 64, ये अगर दो बटा होगा तो नीचे वाला बटा छोटा होगा और उसके ऊपर वाला बटा छोटा होगा, बीच वाला बटा बड़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ भी जगह 113 माइनस 49 बटा 113, और यहाँ पे बराबर का सीन क्योंकि यही है बराबर बता रहा है, ठीक है? अब देखिए 113 में से 64 को घटाइए, क्या जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है? और बच गया 0, 0 में से 10 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा, ठीक है? आगे ही है, इसको घटाइए, इसको घटेंगे तो क्या होगा, 9 में से 13 में से 9 गया, क्या हुआ 4, और यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, ठीक है? एक चीज क्या छोड़ें लोग, 113 बटा क्या होगा 64 बटा 113, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं क्या जी, 49 बटा 113 पूरा बटा 64 बाई 113, ठीक है? अब देखिए इसको गुना कर देंगे कैंची या गुना पलट कर, तो 49 बटा 113 गुना, ये भागा में ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा और ये 64, ये कट गया, अब देखिए ये कट गया और ये कट रहा है, कटाई है नहीं कटेगा, ठीक है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपको, 49/64, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 49/64 हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो भैया कॉट थीटा देवे किया था शुरू में 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आपको वही चीज आ जाएगा, यानी ये जो आपको ये है ये भी ध्यान रख लीजिए, ये आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा कि इतना बराबर जब होगा तो इतना बराबर का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, यही सब ट्रिक है,
समझे, यही सब ट्रिक है। ये सारी चीजों को याद रखिएगा दिमाग में तो आपको आसानी से काम होता जाएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिए, 7 × 49 8 × 64 यहाँ पे इसको दिखाने का मतलब यहीं था, ठीक है। कुछ नहीं है कॉम्पिटिशन में, यही सब पूछता है बस। इसको थोड़ा सा ज्यादा आपको समय कम रहेगा तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, तो आप तेजी में बना लीजिएगा। जिसको नहीं रहेगा वैसे ही ऐसे ऐसे राम रव दे करते जाएगा तो लेट लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसको आप बनाइएगा। बाप रे वीडियो बहुत लंबा हो गया। जिसको आप बनाइएगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड, इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा है। जिसमें दिया आपको क्या दिया है, कॉट 3 कॉट ए बराबर 4 दिया। बस क्या करना है, कॉट ए को 4/3 कर देना, गुना इधर आ जाएगा, भागा जाएगा। उसके बाद 1 + 10² दिया है, आप उसको तोड़कर आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। ये याद कीजिए कि इतना बराबर है कि नहीं है। दोनों तरफ 1 - 10² का मान डालिएगा, 10² का जब मान डालिएगा, कॉस 1² का मान डालिएगा, मान डाल के देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों पक्ष बराबर रहते तो बराबर है, नहीं आते तो नहीं है। उसमें क्या करना है, आइए दिया है कि किसी त्रिभुज ABC में, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है, tan A बराबर इतना है, तो मान ज्ञात कीजिए। आप इसको भी बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर इसको हम समझा लेते हैं। अगर 9 नंबर आपसे नहीं बनेगा तो पूछिएगा, आसान है, बन जाएगा। जब इतना आप बात समझ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा लॉजिक है, उसको समझा देते हैं, आप 9 नंबर को घर पर बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं बनेगा फिर अभी हम हैं, ठीक है, बनाएंगे आपका क्वेश्चन। अगर आप बनाते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सीखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज खींचेंगे। आइए समकोण त्रिभुज PQR खींचें, जहां Q बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, यहां Q बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। तो चलिए खींच लेते हैं इसको, Q 90 हो गया, ऊपर P हो गया और यहां पर R हो गया, जिसमें क्या दिया, आगे क्या दिया आपको कि PQ ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है, और दिया है कि PR प्लस QR क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना चीज आपको दिया है। चलिए अब क्या कीजिए आप, अब आंख मूंदकर पाइथागोरस पद में लगाइए, पाइथागोरस पद में लगाइएगा तो क्या होगा, PQ का स्क्वायर, सॉरी PR का स्क्वायर, क्योंकि PR कर्ण है, PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे PQ दिया है तो PR को इधर ला लीजिए, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको उसी समय से समझा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाएगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कि ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर PQ कितना दिया है, PQ बराबर 5 का स्क्वायर। चलिए आइए देखिए, इसमें आपको कुछ और दिया हुआ है इन दोनों में, देखिए क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टाइम का किल्लत बहुत कुछ और पकड़ाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, PR माइनस QR, ये PR प्लस QR दिया है, कितना दिया है, 25, और इधर क्या है, 5 का स्क्वायर 25। अब लेकिन गुना में चिन्ह है, तो इधर जाएगा क्या जाएगा, भागा में, यानी आपके सामने निकल के चला आया कि PR माइनस QR बराबर 25/25 कट कर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दो चीज़ है, एक है PR माइनस QR जिसको समीकरण 2 मान लीजिए,
और इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। और एक है आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या कहेंगे, लेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। समीकरण एक क्या आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक, ऐड कीजिएगा कट जाएगा 25 × 26 2PR, यानी PR आपको निकल के आ गया 26/2 अर्थात कहने का मतलब 13। जब 13 आ गया तो समीकरण एक में PR का मान रखने पर, समीकरण एक में PR बराबर 13 रखने पर क्या मिलेगा, तो समीकरण एक आपका क्या था, इन्हें था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर रख दिए 13 तो क्यू आर 25, तो फट निकल के चला आया क्यू आर बराबर 25 − 13 अर्थात 12। तो आपके सामने अब सब कुछ उपस्थित है, क्या उपस्थित है पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर 12 सेंटीमीटर और आपको पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछेगा वो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए, तो बस हम एक साइन पी बता देते हैं आपको, आप टेन पी और कॉट पी निकाल दीजिए। साइन पी क्या होगा पी बाई एच होगा, क्या होगा पी बाई एच, ठीक है। तो ये पहले बना लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा पी था, यहाँ पे क्या था क्यू था और यहाँ पे आर था। इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, ये होगा क्यू आर, तो क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर कितना निकल के आया 12 और पी आर कितना है 13, 12/13, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इसके साथ दो और है, आप दो को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज था, जो ये 12 आया था, ये 5 है और 13 है, कह रहा है क्या है सही गलत में, टेन ए का मान सदैव एक से कम रहता है, कह रहा है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम रहता है। देखिए ये था पी, ये था क्यू, ये था आर, तो अगर टेन पी का बात करते हैं, टेन पी का बात, टेन पी में क्या लगेगा, ये लंब हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पे देखिए 5 में जब भारत दशमलव आएगा, ये नहीं कम हो गया, ठीक है, एक से कम यहाँ से ही। लेकिन जब वहीं हम एंगल चेंज करते हैं, क्या करते हैं एंगल चेंज करते हैं, एंगल टेन आर लेते हैं, तो टेन आर के लिए पी ये हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 × 10 बड़ा हो गया, तो यानी जो कह रहा है कलर बताइए कि कथन सही है गलत है, तो गलत है, यानी टेन ए का मान सदैव एक से कम नहीं होता, एक से कम भी होता और एक से ज़्यादा भी होता, ठीक है। आगे कह रहा है किसी कोण ए के, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा, तो आइए देखते हैं, ये देखिए कितना फिट एग्जाम्पल है, सब इसी पर हो जाएगा 12/5 सेक ए, इसको अब हम बदल देते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ठीक है। सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर, सेक किसका अपोजिट है कॉस का, इसका होगा एच बाई बी, एच बाई बी होगा, ठीक है। अब देखिए 12/, यहाँ पे एच आपको हर हाल में क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको कि 12/5, तो 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 क्या है 12 पी है और 5 क्या है बी है, या तो 12 बी है तो 5 क्या है पी है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, 13 इसमें आना ही चाहिए था, तो ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कॉस ए कोण ए और कॉसन का संक्षिप्त रूप है, तो हमने बताया था आपको कि जो ए लिखते हैं ये बीच में गुणा नहीं होता, इसका संक्षिप्त रूप होता है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, कॉट ए कॉट और कॉट ए का गुणनफल होता है, जी नहीं बिल्कुल गुणनफल नहीं होता है, वो क्या होता है कॉट और कोटेंजेंट और ए जो होता है कॉट का संक्षिप्त, कॉट और ए जो एंगल होता है वो उसका संक्षिप्त होता है, गुणनफल नहीं होता है। आगे किसी भी कोण के लिए मान साइन थीटा का मान 4/3 होगा, तो देख लेते हैं एक ट्रिपलेट निकाल लेते हैं जो होता है 3, 4, 5, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जी पी वाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच हर हाल में 5 में से, इस ट्रिपलेट के साथ आपको कर्ण क्या बनता है 3 और 4 के साथ कर्ण क्या बनेगा 5 बनेगा,
कारण क्या बनेगा, पांच बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि चार बटा तीन, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। चार बटा तीन में आपको या तो पी आएगा या बी आएगा, या तो बी आएगा या तो पी आएगा, एच नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आया होगा समझ में तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम पूछिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें एक आपको जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करेंगे, आपको समझ में आएगा कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। और ऐसे बच्चे जब मिलते हैं तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कि एंगल को कैसे सेट करना है। आप एक बार किताब पढ़िए तो बातें बेहतर समझ में आएंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।